हेलो एवरीवन, वेलकम टू आनंदम स्टडी क्लासेस एंड दिस इज़ किशन आनंदम। ओके, और पिछले वीडियोस में मैंने आपको कुछ चैनल्स का सजेशन दिया था। बहुत सारे मेरे पास एक तरह से कमेंट भी आए कि ये चैनल अच्छा है। मैं एक बार और आपको बता रहा हूँ कि देखो, कोई भी चैनल अच्छा है कब है, जब आपको उससे कुछ अंडरस्टैंडिंग हो रही है, यानी आपको उस चैनल से ज़्यादा आपको समझ में आ रहा है तो आपके लिए अच्छा है। ये कोई ज़रूरी नहीं है कि जो मैंने सजेस्ट किया वो आपके लिए अच्छा। ओके, बट वो माई एक्सपीरियंस था, मेरा एक एक एक्सपीरियंस था जिसके थ्रू से मैंने आपको कुछ चैनल्स दिए थे। मैंने बहुत कम ऑप्शन दिए थे। देखो, कम ऑप्शन देने की क्या बात थी, कम ऑप्शन इसलिए मैंने दिया था क्योंकि मैं ज़्यादा दूँ तुम्हें तो डिस्ट्रैक्शन ज़्यादा हो जाएगी, तुम डिस्ट्रैक्ट ज़्यादा हो जाओगे। लेकिन अगर तुम्हें उस चैनल से नहीं समझ में आता, कोई बात नहीं है, नथिंग प्रॉब्लम, तुम कोई बाउंडेड नहीं हो, तुमको जहाँ से समझ में आता है वहाँ से तुम अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करो। ओके, सो देखो, आज हम क्या डिस्कस करेंगे। हमने दो चैप्टर कंप्लीट किया है सिविक्स की, क्लास 10th का पोलिटिकल साइंस है। ओके, हमने दो चैप्टर, फर्स्ट वन दैट इज अ फेडरलिज्म, फेडरलिज्म नहीं सॉरी, फर्स्ट वन इज अ पावर शेयरिंग, सेकेंड इज अ फेडरलिज्म। ओके, तो उन्होंने कंप्लीट किए हैं, बट क्वेश्चन आंसर हमने कुछ डिस्कस नहीं किए हैं, तो आज क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे। ओके, क्वेश्चन आंसर्स, बहुत अच्छा क्वेश्चन आंसर। जब मैं क्लास 10th में था तब मुझे प्री मिड टर्म चल रहा था, उस एग्जाम का मुझे क्वेश्चंस मिला, मैंने उसको देखा, स्टडी किया, अच्छा क्वेश्चन था इसलिए मुझे बनाना नहीं पड़ा, और बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। मुझे लगता है अगर तुमने मेरा लेक्चर कंप्लीट किया है तो उसको तुम्हें बहुत ही 10 से 15 मिनट में तुम उसको सॉल्व कर दो। आई प्रॉमिस दैट, आई विल गारंटी दैट, मैं गारंटी ले रहा हूँ तुम सॉल्व कर दोगे। ओके, तो क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। आपको स्क्रीन पे दिखाई देगा क्वेश्चंस। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, फर्स्ट क्वेश्चन की मैं बात करूं अगर, तो फर्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज पावर शेयरिंग। देखो, सिंपल है, व्हाट इज पावर शेयरिंग, याद है मुझे बोलने की जरूरत है कि नहीं? नहीं है। पावर शेयरिंग क्या है, बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया। पावर शेयरिंग मतलब क्या है, शेयरिंग ऑफ पावर तुम्हारा एट अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट, सिंपल। ओके, तो ज्यादा कुछ नहीं, एक नंबर के लिए। सेकेंड वन इज अ विच लैंग्वेज इज नॉट स्पोकन बाई मोस्ट ऑफ द पीपुल इन बेल्जियम। ओके, कौन ऐसा लैंग्वेज था जो मोस्ट ऑफ पीपुल तुम्हारे बेल्जियम के नहीं बोलते थे, तो कौन लैंग्वेज था? तो बोलो बोलो बोलो, कौन लैंग्वेज था? यस यस, सही बोल रहे हो, सही बोल रहा है, सही बोल रहे हो। कौन है? जर्मन। यस, ऑफ कोर्स यू आर राइट, जर्मन। ओके, मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो, थर्ड क्वेश्चन क्या है तुम्हारे, विच टाइप ऑफ गवर्नमेंट हैज़ टू और मोर लेवल्स। देखो, कौन ऐसा गवर्नमेंट है, देखो बोल रहे थे, बहुत स्टूडेंट ने बोल दिया, बहुत बच्चों ने बोल दिया, यस सही जवाब है तुम्हारा, फेडरल गवर्नमेंट। कौन, यानी कौन ऐसा गवर्नमेंट है जिसका बस टू या मोर सी लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट है होता है। ओके, तो उसको फेडरल गवर्नमेंट बोलते हैं। ऑफ कोर्स तुम सही हो, फेडरल गवर्नमेंट में ही टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है। यस, ऑफ कोर्स यू आर राइट। सो नेक्स्ट क्वेश्चन, फिफ्थ क्वेश्चन है। देखो, व्हाट डू यू मीन बाय चेक एंड बैलेंस। देखो, चेक एंड बैलेंस, चेक एंड बैलेंस बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत स्टूडेंट को पता ही होगा, क्योंकि देखो मेरा अगर लेक्चर तुमने देखा होगा तो मैंने बहुत अच्छा इसको डीपली, एक तरह से कह सकते हो, बहुत अच्छे से इसको एक्सप्लेन किया हुआ है, बट मैं एक बार और एक्सप्लेन करता हूँ। देखो, चेक एंड बैलेंस, चेक मतलब क्या करना, चेक करना, एंड बैलेंस मतलब उसको बैलेंस करना, बनाकर रखना। देखो क्या होता है, जजेस जो होता है, अगर मैं डिफिनेशन की बात करूँ, जो जजेस होता है अपॉइंटेड बाय एक्सिक्यूटिव, वो भी किसी ना किसी एक्सिक्यूटिव से क्या होता है, अपॉइंटेड होता है, अपॉइंटेड होता है। ओके, और उनका काम होता है कि जो लॉ है, जो कानून है, वो फंक्शन कर रहा है प्रॉपर वे में नहीं। ओके, जो लेजिस्लेचर से आपके रूल्स बनते हैं, लॉ बनते हैं आपके, तो सोसाइटी में आते हैं, उसका काम होता है जजेस का, एक्सिक्यूटिव का, कि उसको देखे, उसको चेक करे और बैलेंस करे। सोचो, चेक करे और बैलेंस करे कैसे? देखो क्या होता है, अगर किसी लॉ को आया सोसाइटी में, क्या हुआ, वायलेंट होने लगा, उसके अगेंस्ट लोग जाने लगे, तो वो क्या करता है, अगर जुडिशियरी का काम ही होता है कि चेक एंड बैलेंस करना, तो जुडिशियरी के पास आएगा, वो क्या करेगा, या तो उसको चेक करेगा कि वो अच्छा है कि नहीं, अगर अच्छा नहीं है तो उसको क्या होगा, वो रिकमेंडेड करेगा, यानी सजेस्ट करेगा गवर्नमेंट को कि आप इसको क्या कीजिए, थोड़ा सा एक बार और चेक कीजिए। ओके, और इसमें और कुछ मॉडिफाई कीजिए, अमेंडमेंट कीजिए। ओके, ये सब बोलेगा, तो यानी सिंपल जुडिशियरी का काम ही होता है चेक एंड बैलेंस का, वो एक अरेंजमेंट है सिंपल से, चेक एंड बैलेंस एक अरेंजमेंट होता है जिसमें काम ही होता है उन लोग को एक तरह से देखना, प्रॉपर एक तरह से देखना कि कुछ भी गलत हो रहा है या नहीं हो रहा है, आपके जो रूल रेगुलेशन है प्रॉपर फॉलो हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं, उसी का मतलब होता है चेक एंड बैलेंस। क्लियर हुआ कि नहीं? बहुत अच्छे से, देखो क्लियर नहीं हुआ, देखो इस वीडियो में बस एक्सप्लेन कर रहा हूँ, डीपली एक्सप्लेन नहीं कर रहा हूँ, तुम्हें थोड़ा सा भी डाउट लगे तुम उस लेक्चर को जाओ देखो एक बार, अच्छे से तुमको क्लियर होगी, आई प्रॉमिस दैट, मैंने उसमें बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। ओके, तो अगले क्वेश्चन में बढ़ते हैं। देखो अगला क्वेश्चन क्या है, हाँ, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर शेयरिंग। देखो, मेंशन टू कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ पावर शेयरिंग, देखो यहाँ कुछ कंफ्यूज हो रहे हो? नहीं, कंफ्यूज होने की बात नहीं है, नहीं है, बिल्कुल नहीं है, कंफ्यूज नहीं होना है, कंफ्यूज नहीं होना है। क्यों नहीं होना है? क्योंकि यहाँ कैरेक्टरिस्टिक्स लगा दे इसलिए नहीं। देखो ये क्या बोल रहा है, पावर, पावर शेयरिंग का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है, तो चाहे फीचर्स पूछे चाहे एडवांटेज पूछे, ओके सिंपल है, तुम्हें क्या लिखना है वहाँ, देखो
बोल रहा है कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए, दो कैरेक्टरिस्टिक्स बताइए हमें। तो तुमने पढ़ा है कि पावर शेयरिंग का काम ही क्या होता है, कि अगर पावर्स को शेयर कर दिया जाए एट अ डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में, तो जो डिस्प्यूट्स होंगे कम होंगे, और डिस्प्यूट्स कम होंगे तुम्हारे, और एक तरह से ये भी बोल सकते हो कि जो पावर शेयरिंग है एक तरह से वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है। यानी डेमोक्रेसी का मतलब ही होता है पावर शेयरिंग, यानी एक आत्मा है, पावर शेयरिंग इज अ वेरी स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी, ये भी लिख सकते हो। ओके, तो ये पॉइंट याद रखना, चाहे कैरेक्टर पूछे कुछ भी पूछे तुमसे, पावर शेयरिंग का तुम्हें कॉन्सेप्ट पता है तो तुम उसको लिख दोगे। ओके, लिख दोगे। मैं डीपली डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, देखो तुम अगर मैं बोल रहा हूँ, तुमने अगर एक बार नहीं देखे हो, अगर थोड़ा सा भी कहीं से भी तुम पढ़े हो कोई बात नहीं है, लेकिन थोड़ा सा अगर डीपली अच्छे से पढ़े हो, टेक्स्ट बुक भी रीड किए हो, तो तुम पूरे क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर दोगे, इसको बहुत अच्छे से लिख दोगे, मुझे पता है। और मैंने अपने लेक्चर में फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को कवर किया है। ओके, फुल एनसीईआरटी कॉन्सेप्ट को कवर किया है, इसलिए तुम्हें कोई भी दिक्कत नहीं होगी। अगर दिक्कत हो रही तो एक बार उसको देखो, आई प्रॉमिस दैट तुम पूरा लिख दोगे। ओके, सो मूव टू नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, राइट टू फीचर्स ऑफ फेडरलिज्म, दो फीचर्स लिखिए फेडरलिज्म का। आपको पता ही होगा टू और मोर लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट होता है, और एक आप बताइएगा कॉमेंट में। ओके, सब मैं नहीं बताऊंगा, एक आप। तो ये कंप्लीट हुआ क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, हाउ कैन पावर बी शेयर्ड अमॉन्ग डिफरेंट, नहीं, अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। एक बार और पढ़ते हैं इसको, हाउ कैन पावर बी शेयर्ड अमॉन्ग गवर्नमेंट एट डिफरेंट लेवल्स। एक्सप्लेन, बोल रहा है कि जो पावर है वो गवर्नमेंट में कैसे, डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में पावर को कैसे शेयर किया गया है, समझ में आ रहा है? तो इसमें क्या लिखोगे, आवर कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड सम लिस्ट, स्टेट यूनियन एंड कॉन्करेंट लिस्ट, इसको लिख दो, एक्सप्लेन कर दो, पता चल जाएगा डिफरेंट लेवल्स ऑफ गवर्नमेंट में कैसे पावर को डिस्ट्रीब्यूट किया गया। क्लियर हो रहा है कि नहीं? क्लियर होगा, अच्छे से क्लियर होगा। ओके, कॉन्सेप्ट पकड़ो अच्छे से, वही लिखना है हमें। तो स्टेट लिखोगे और यूनियन लिखोगे और कॉन्क्यूरेंट लिखोगे, एंड लास्ट इज नोट में डाल के रेसिडेरी सब्जेक्ट लिख दोगे। ओके, ये मैं अभी डीप क्लियर नहीं कर रहा हूँ, देखो ये सब मैंने कॉन्सेप्ट में क्लियर किया, वहाँ टॉपिक में क्लियर किया हुआ है। ओके, मैं बता रहा हूँ कि क्वेश्चन में क्या लिखो, क्वेश्चन बोल गया रहा है वहाँ लिखना कैसे। तीनों को चार्ट बना देना, एक एक जगह कॉन्क्यूरेंट, एक जगह स्टेट, एंड लास्ट जगह कॉन्क्यूरेंट। ओके, एंड लास्ट में नोट में डाल के रेसिडेरी। क्लियर हो गया? ओके, अब नेक्स्ट क्वेश्चन में बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, देखो, डिफरेंट बिटवीन हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल डिवीजन ऑफ पावर। सिंपल है, हॉरिजेंटल एंड वर्टिकल, एक क्या है ऑर्गेन्स ऑफ लेवल ऑफ गवर्नमेंट होता है, एक आपका वर्टिकल होता है, एक वर्टिकल होता है। देखो नहीं समझ में आ रहा है मैं कितना बार बोलूँ, मैं यहाँ डीप एक्सप्लेन नहीं करूंगा, मैं बस तुम्हें बता रहा हूँ क्वेश्चन पढ़ो एक बार, कैसे क्लियर करना है। ओके, तो हमें क्या डिफरेंस करना है हॉरिजेंटल और वर्टिकल का, एक जानते हैं क्या होता है, एक जिसमें एक में पावर शेयर होता है तुम्हारे, हॉरिजेंटल में ऑर्गेन्स ऑफ यानी एक्सिक्यूटिव होता है, जुडिशियरी होता है। ओके, एंड सेकंड इज अ वर्टिकल में फेडरल होता है, यानी फेडरल यानी इसमें तुम्हारे क्या होंगे, यूनियन गवर्नमेंट और यानी सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट और लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, ये सब होंगे। ओके, तो अच्छे से क्या करना है, अगर तुम्हें इस सब की अंडरस्टैंडिंग है तो तुम ये इनके भी दो तीन पॉइंट लिख डालोगे। ओके, क्लियर हो जाएगा। अगर ये सब एक्सिक्यूटिव के बारे में थोड़ा पता है, जुडिशियरी के बारे में पता है, तो दो चार पॉइंट उसके बारे में लिख दोगे, फिक्स है नंबर तुम्हें मिलेगा ही मिलेगा, इतना गारंटी रखो। ओके, तो आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन समझ में आया ना क्या करना है, डिफरेंस करना अच्छे से। अब आगे बढ़ते हैं, हाँ, लास्ट इज एनालाइज द एडवांटेज ऑफ डिसेंट्रलाइजेशन। डिसेंट्रलाइजेशन का आपको एडवांटेज लिखना है। ओके, डिसेंट्रलाइजेशन का आपको एडवांटेज लिखना है। एडवांटेज क्या है डिसेंट्रलाइजेशन का, तो डिसेंट्रलाइजेशन को सबसे पहले समझो, डिसेंट्रलाइजेशन क्या होता है। देखो डिसेंट्रलाइजेशन तुम्हारे एक तरह से जो सेंटर और स्टेट गवर्नमेंट अपना कुछ पावर शेयर कर देते हैं थर्ड टायर में, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट बोलते हैं, लोकल सेल्फ बोलते हैं। अब बात आती है कि इंडिया में डिसेंट्रलाइजेशन क्यों इंपॉर्टेंट है, क्यों है, देखो क्योंकि क्या हुआ बता रहा हूँ, कि इंडिया एक वास्ट कंट्री है, वास्ट कंट्री है, इसका अगर एक एक स्टेट को कंपेयर करोगे तो एक यूरोपियन तुम्हारे कंट्री से कंपेयर हो जाता है इसका स्टेट, तो इसको सफिशियंट नहीं है तुम्हारे दो टायर से चलना, समझ में आ रहा है, यानी सेंटर स्टेट से ये सफिशियंट नहीं है। तो इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इसके लिए हमें एक थर्ड टायर गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस किया, बनाया, क्योंकि थर्ड टायर को बनाने का क्या रीज़न था, देखो थर्ड टायर अगर बन जाता है तो जो सॉर्ट ऑफ टाइप ऑफ डिस्ट्रीब्यूट होंगे वो यहीं सॉल्व हो जाएंगे एट अ लोकल लेवल, लोकल लेवल। ओके, और आपके दूसरा क्या है, जो पार्टिसिपेशन कह सकते हो इन इलेक्शन में, आपके लोअर लेवल से लोग पार्टिसिपेशन करते हैं आपके, तो कह सकते हो डेमोक्रेसी का एक्सपीरियंस कर रहे हैं लोग लोअर लेवल से ही। क्लियर हो रहा है? नहीं पॉइंट, तो इतना जान लो इंडिया एक वास्ट कंट्री है जिसमें डिसेंट्रलाइजेशन का बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस है। ओके, तो ये सब क्वेश्चन था, 10 क्वेश्चन था, एक और क्वेश्चन मैं ऐड कर रहा हूँ इसमें। देखो क्या है, वाई पावर शेयरिंग इज अ डिजायरेबल, और फेडरलिज्म से एक और मैं कर रहा हूँ, डिफरेंस बिटवीन यूनिटरी एंड आपका
गवर्नमेंट और फेडरल गवर्नमेंट, ऑफ कोर्स यू आर राइट, ये है। तो ये क्वेश्चन को भी ऐड करना है और लिखना एक बार। मैंने देखो मेरा मोटिव क्या था, मैं क्वेश्चन को डिस्कस कर दिया क्योंकि तुम्हें एक तरह से दो चैप्टर मैंने कंप्लीट कर दिया, मुझे लगा कि बहुत इजी क्वेश्चन है। तुम अगर लेक्चर मेरा पूरा कंप्लीट देखे हो तो तुम्हें कहीं से दिक्कत नहीं आएगी, तुम फुल लिख डालोगे, इतना बोल रहा हूँ। ओके, तो यही सब था और कुछ नहीं। और अगर तुम्हें कोई दिक्कत हो रही है, देखो कोई दिक्कत हो रही है, तो मेरा एक सजेशन है कि अगर तुमने नहीं देखा है लेक्चर तो उसको एक बार कवर करो, एक बार उसको कवर करो मेरे लेक्चर्स को, उसके बाद इस क्वेश्चन को करके देखो, तुमसे फुल क्वेश्चंस होगा, फुल क्वेश्चंस होगा। अगर कोई डाउट आ रहा है, तुम्हें थोड़ा सा शॉर्ट ऑफ डाउट है, तो मुझे कमेंट में लिख सकते हो, कमेंट में लिख सकते हो। ओके, तो आज के लिए इतना ही, और नेक्स्ट चैप्टर की तरफ भी बढ़ेंगे अभी। ओके।